आज हम लोग बाइनोमियल में एंड से आरथ टर्म कैसे निकाला जाए इस बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी एक बात को ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो हमने दो एक्सपेंशन लिखे गए हैं, देखा जाए तो इन दोनों एक्सपेंशन को रिपीट कर रहे हैं, आरथ टर्म फ्रॉम द एंड। आज जो अभी डिस्कशन का टॉपिक है, एंड से अंत से आरथ टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में कैसे फाइंड किया जाए, उसी पर डिस्कशन रहेगा। एक्सपेंशन क्यों किया है, इसका यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट है, उसको भी अभी समझने वाले हैं हम लोग, उसको भी देखेंगे। तो अब देखा जाए तो अगर ये दो एक्सपेंशन लिए गए तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि दोनों एक्सपेंशन की वैल्यू सेम है, दोनों सेम होगा, क्योंकि x प्लस टू करें या 2 प्लस एक्स करें, एक्सपेंशन कुछ भी कर दें सेम आना चाहिए। पर हमारा इंटेंशन ये नहीं है, क्यों हमने यहाँ पे लिखा है देखें, ये वाला एक्सपेंशन ऐसे चला जाएगा, बाइनोमियली एक्सपेंशन करना, दोबारा बाइनोमियली एक्सपेंशन करने को हम एक्सप्लेन करें तो फिर मुझे लगता है कि हमारे सारे सीरीज़ और सारे वो वीडियोज़ का कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंशन अगर नहीं आता है तो आप पहला वीडियो देखिए, फॉलो करिए शुरुआत से, ठीक। तो एक्सपेंशन ये इस तरीके से जाएगा, अगर इस तरीके से एक्सपेंशन लिखा गया तो एक्सपेंशन इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखा जाए पहले पद को पहले पद से मैच कराएं, तो 5c0 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 0 है, तो ये पहला पद इसके पहले पद से मैच नहीं खा रहा, दूसरा पद दूसरे के मैच नहीं खा रहा, तो इसका मतलब जनरली आरथ पद जो आरथ टर्म होगा इसका, इसके आरथ टर्म से मैच नहीं खाएगा। तो ये दोनों एक्सपेंशन बराबर कैसे हो गए, अब हम लोग देखते हैं। एक प्रॉपर्टी को सबसे पहले आप ध्यान देना, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान देना है, दिमाग में रखना है अपने, ठीक है, कि बिगनिंग और एंड से, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशियंट्स की वैल्यू क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। तो अब हम इस टर्म को उठाएं, यहाँ पे इस टर्म को हम लोग यहाँ उठा रहे हैं, 5c5 2 की पावर 0 एक्स की पावर 5, अभी हमने ये टर्म को उठाया, ठीक है, जो इस वाले एक्सपेंशन का सबसे लास्ट का टर्म था। अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करें तो 5c 5 माइनस 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 0, तो ये आ जाएगा 5c0 2 की पावर x की पावर 5 माइनस 0 और 2 की पावर 0। अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये टर्म लिखा हुआ है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर पद को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे ये पूरी एक्सपेंशन भी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। जो वो लास्ट पद है इसमें कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट में, इसका सेकेंड लास्ट, इसका सेकेंड होगा, उसका थर्ड लास्ट, इसका थर्ड होगा। तो अगर हम इधर से बढ़े तो यहाँ से इधर से ऑब्जर्व करें, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है ये देख रहे हैं, ठीक है, फ़ायदा क्या मिलने वाला है। अगर सपोज हमें इसमें थर्ड टर्म निकालना होता तो ये हमारा हो जाता थर्ड टर्म, मेरी बात ध्यान दें, अगर बोल देता कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, इसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, अंत से निकालना है, ठीक है, तो मतलब ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, यहां से गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा, शुरुआत से अगर गिने तो, शुरुआत से गिने तो चौथा है, वहां से तीसरा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हम इसमें देखें कि हम यहां पे थर्ड टर्म ही देख लें, थर्ड टर्म जो वहां पे देख रहे हैं, शुरुआत से थर्ड टर्म ही देख लें, शुरुआत से, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसको अब उठाते हैं हम लोग, इसको ऑब्जर्व करते हैं, 5c2 2 की पावर 3 x की पावर 2, इसमें वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 5c 5 माइनस 2 एक्स की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो आ जाएगा 5c3 एक्स की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसका ये थर्ड लास्ट से ये थर्ड होगा कि नहीं होगा, देखिए मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया, यानी इसके शुरुआत से निकालने का हमारे पास फार्मूला है कि नहीं है, लास्ट से निकालने का फार्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें एंड से थर्ड टर्म निकालना है तो हम लोग यहाँ से एंड से थर्ड टर्म ऑब्जर्व ना करके इसको क्या करेंगे, पलट देंगे और इसी में शुरुआत से थर्ड टर्म निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, एक्सपेंशन हमारा दिया गया x माइनस 1 अपॉन x की पावर 17, ऐसे दिया गया,
ठीक है, हम बिगनिंग से नहीं निकाल रहे हैं। अगर बिगनिंग से निकाला जाता तो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, बिगनिंग से कैसे निकालेंगे वो एक्सप्लेन कर देते हैं। टी फाइव, तो बिगनिंग से निकालेंगे टी फाइव, तो 17C4 जो पहला लिखा गया है एक्स, उसमें इसका इसका डिफरेंस 17-4, जो दूसरा लिखा गया है साइन -1/x की पावर 4। ये हमारा बिगनिंग से है, ये हमारा क्या है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुरुआत से जो भी ये फार्मूला जनरल टर्म का हमने पढ़ा था वो शुरुआत से ही काउंट करता है पद। ठीक है, अब हमें एंड से निकालना, तो हमने बोला क्या समझाया है, आप पदों को इंटरचेंज करिए, 1-1/x को इधर लाइए और x को इधर लाइए कि पावर 17, पद को इंटरचेंज कर दिया। अब आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी, एंड से निकालना था, अब शुरुआत से निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, बिगनिंग से ही निकाल दीजिए, बट इसमें नहीं, इसमें बिगनिंग से निकालिए फिफ्थ टर्म, जब आप यहाँ फिफ्थ निकालेंगे तो 17C4 होगा, पहला पद ये आ गया -1/x की पावर 4 और दूसरा पद आ गया x की पावर, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैच कराते हैं, 17-4 आएगा डिफरेंस और यहाँ पर x की पावर 4, ये इतना आ गया। ठीक है, डेक्टो अगर आपको आंसर मैच कराना है, बिल्कुल डेक्टो है बराबर अभी भी, मगर आंसर जो आप एग्जाम में दिया गया होगा वो लिखा होगा 17C4 की जगह 17C 17-4 कितना होगा 17C13 लिखा होगा वहाँ पे, जो जबकि वो एक एक सेम होता है, ये आगे लिखा गया होगा तो x की पावर जो 4 है तो यहाँ x की पावर 4 लिखा होगा जो कि 17-13 के बराबर है, डिफरेंस बराबर है, और -1/x की पावर दिया गया होगा 13। देखा जाए तो ये बस उसका लिखने का तरीका चेंज किया गया है, वो बराबर ही न्यूमेरिकली क्या है इक्वल। तो अगर आप निकालेंगे ये बस आप मैच कराने के लिए, ऑप्शन मैच कराने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। अब यहाँ से यहाँ पर अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, तो इसको हम एक बार थोड़ा समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग देखेंगे 6C4 की बात करें, तो 6C4 की वैल्यू अगर इवेल्यूएट करना चाहें हम लोग, तो 6543/432। ठीक है, डायरेक्ट मतलब अगर अभी ये भी आपको एक्सपेंशन करने में दिक्कत हो रही हो, मैं बता दूं कि 6C4 करना है तो 6 को 6 के साथ ग्रेजुअली एक एक घटाएंगे, और कितने बार करेंगे, 4 बार। अगर ये 3 होता तो 3 बार करते, अगर ये 2 होता तो देखो 2 के लिए 2 बार जाते, 3 के लिए 3 बार जाते और 4 के लिए 4 बार गए और 1 के लिए 1 बार जाते। ठीक है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4321 नहीं लिखा हमने, ओके। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये इससे गया, ये इससे 3 गया, तो 15 हुआ कि नहीं, ओके। अब हम 6C2 पे जाते हैं, इस पे जाते हैं 6C2 पे, तो ये क्या होगा 6 5/2, तो ये भी कितना होगा 13 होगा कि नहीं भाई। ठीक है, तो हमने देखा कि 6C4 और 6C2 बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल कोफिशिएंट में कहा जाता है, 6C6-4 करोगे मतलब इससे इसको घटा दोगे तो जो वैल्यू आएगी 6C2, या कहने का मतलब इस तरीके से भी देखेंगे, इसका इसका सम करें अब वो 6 के बराबर होना चाहिए, तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर। जैसे कि आपने 13C5 किया, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 13 बन जाए, तो क्या जोड़ें बताइए भाई, 8 जोड़ दें, तो 13C5 और 13C8 क्या होगा, बराबर होंगे। ऐसे ही यहाँ पर 17C4 है, तो 17C4 और 17C13 क्या है, न्यूमेरिकली बराबर हैं, बस लिखा गया है तो बच्चे को इनिशियली क्या लगता है कि ये अलग है ये अलग है, यही आपको समझना है कि आप निकालेंगे आंसर इस वाले ट्रिक से, आप ये आंसर निकालेंगे, ऑप्शन में ऐसा दिया गया होगा तो आपको ये समझना होगा कि ये बात बिल्कुल ही बराबर है, बस उसको फॉर्म चेंज किया गया है। आप समझ गए होंगे शायद, ठीक। इस वाले क्वेश्चन पे वही जो अभी बताया है मेथड, उस पर अप्लाई करके देखेंगे। और एक क्वेश्चन इसलिए और बता रहे हैं कि जिससे कि कोई कन्फ्यूजन हो आप उसको समझ पाए, ठीक है। तो 14 टर्म फ्रॉम द एंड निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमने बात बताई जैसा एक्सपेंशन दिया गया
आप उसके पदों को इंटरचेंज कर दें, तो रूट वाई इधर ले आए और रूट एक्स को इधर लाए विद साइन, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव थे तो मैटर नहीं करता, इंडेक्स वही रहेगी। अब टी 14 ही निकाल लीजिए, ठीक है, जैसे निकालते हैं, बस इसके एक्सपेंसिव निकालना है। तो 17C13, अब यहाँ पे पहला पद रूट वाई है, इसका इसका डिफरेंस 4 आ जाएगा, दूसरा पद रूट एक्स है उसकी पावर 13 आ जाएगा। यही ये जो टर्म आया है, बार बताया जा रहा है, ये जो टर्म आया है ये इसके एक्सपेंशन में 14 है, इसके एक्सपेंशन में क्या है, इट इज 14th टर्म फ्रॉम एंड। रियल में बस लिखा कैसे होगा एग्जाम में, बस वो देख लेते हैं। 17C13 को 17C4 लिखा गया होगा, यहाँ पे रूट एक्स पहले लिख दिया गया होगा कि पावर 13 और रूट वाई की पावर 4 लिखा गया होगा, ये आंसर बनाया गया होगा, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग ऑल्टरनेट मेथड लाइक अ फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला जनरेट करेंगे जिसको आप अप्लाई डायरेक्टली करिए और उसे आप लगा सकते हैं, हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हों या जो भी है, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम एक एज ए नॉर्मल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल रीजनिंग पे, कि इन अ क्यू, मतलब एक लाइन है, देयर आर 30 पर्सन्स, उस लाइन में 30 पर्सन्स हैं, द पोजिशन ऑफ कार्तिक फ्रॉम द बिगिनिंग इज 13, शुरुआत से कार्तिक की पोजिशन क्या है, 13 है, फाइंड हिज पोजिशन फ्रॉम द लास्ट, कार्तिक की हम लोग लास्ट से पोजिशन देखते हैं, तो एन को हम मानेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स या आर्टिकल्स या थिंग्स जो भी हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, लेट्स से 30। आर मानेंगे शुरुआत से पोजीशन या लास्ट से जो दी गई है, जो हमें दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से बिगनिंग से दी गई तो कितनी 13। अब पोजीशन फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट एन माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ पे 30 माइनस 13 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा भाई, बोलिए 18, कितना आ जाएगा 18। जब भी आप इसको 18 और 13 को जोड़ेंगे तो जितने नंबर ऑफ पर्सन हो उससे एक ज़्यादा आएगा, हमेशा क्या आएगा, अगर आप मैच कराना चाहते हैं, आंसर को सही करना चाहते हैं, तो अब इनको जोड़िए, मैंने बोला कि इनको और इनको आप ऐड करिए, तो 13 प्लस 18 को ऐड करेंगे 31 आया, वो इसलिए आया कि उस कार्तिक को दो बार गिना गया, शुरुआत से भी गिना गया और लास्ट से भी गिना गया, तो वो एक एक्स्ट्रा काउंटर हुआ। अगर ऐसा होता है तो आप सही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है तो आप दोबारा फिर से क्या करिए, रीचेक करिए। तो ये नॉर्मल सा लॉजिकल बेसिस पे क्वेश्चन था, छोर बदलने के लिए n माइनस आर प्लस 1 होता है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर लेते हैं, हमें n से आरथ टर्म निकालना है, टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, बात ये समझने वाली बात है कि n प्लस 1 है, ये ध्यान रखें, अगर इंडेक्स यहाँ n दी गई है तो बाइनोमियल में हमेशा इंडेक्स से एक पद टर्म ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब आरथ टर्म फ्रॉम द इंड निकालना है, ठीक है, तो टोटल माइनस इनिशियल या जो भी है, ठीक है, टोटल माइनस फाइनल, हमने बोला फाइनल दिया गया तो फाइनल का देखेंगे, और प्लस 1, तो टोटल कितने दिए गए, एन प्लस 1, टोटल एन प्लस 1 है ना, माइनस आर प्लस 1, तो आ जाएगा एन माइनस आर प्लस 2 हो जाएगा, 2th। बात समझने वाली है, अगर आपने सीधे डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लिया एन माइनस आर प्लस 1, तो बाइनोमियल में आपको बस यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 2, ठीक है, ये बात समझने वाली है। वही बात अब अप्लाई करिए, आरथ और n माइनस आर प्लस 2 को जोड़ेंगे तो r से r कैंसिल हो गया, तो n प्लस 2 हो गया, हमने बोला जितने टर्म हैं उससे एक ज़्यादा, तो यहाँ पे n टर्म नहीं है, कितने हैं, n प्लस 1। हमने हमें अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो समझिए, पहले वीडियो में बताया था कि 1 प्लस x की पावर 4 है तो टोटल 5 टर्म्स हैं इसमें, सिंपल है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही कर लेते हैं तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 टर्म है, जो भी इंडेक्स दिखती है उससे हमेशा एक टर्म ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैरी कर गया। तो यहाँ पर देखें n हमारा 17 दिया गया है कि इंडेक्स से सीधे मैच कराएंगे, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, n हमारा 17 है, यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, नंबर ऑफ टर्म 18 है, ठीक, ओके, और आरथ टर्म की जगह यहाँ पे कितना निकालना है,
r बराबर 14 है, r बराबर क्या है 14 है, तो हमारा फॉर्मूला था n माइनस आर प्लस 2th, तो हम यहाँ रखें 17 माइनस 14 प्लस 2th, तो यहाँ देखें 17 माइनस 14 3 और प्लस 2 तो 5th टर्म, तो ये एंड से था पलट गया टर्म फ्रॉम बिगनिंग, टी फाइव निकाले हम लोग सीधे जैसे निकालते हैं निकाल लें 17C5 पहला टर्म 17C4 हाँ हाँ 4 एक हिस्से कम हो जाता है, रूट एक्स की पावर 17 माइनस 4 और रूट की पाई की पावर 4, तो ये आ गया 17C4 रूट एक्स की पावर 13 और रूट वाई की पावर 4। ठीक, अगर अभी आप इससे पहले जहाँ पे अप्लाई किया था आंसर जब मैच कराएंगे, हमने बताया था कि 17C13 की जगह 17C4 लिखा हो गया होगा, इस वाले टर्म को यहाँ से ना लिख के आगे लिखा गया होगा, जब आप मैच कराएं दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं बिल्कुल सेम है, आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो यहाँ पे याद करना है, वहाँ पे आपको याद नहीं करना है, जैसा भी आपके लगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किए गए। ठीक, मावड़ा क्लासेस को देखा जाए तो आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए ना ही हम अभी विचार भी कर रहे हैं कोई चार्ज लिया जाए, कोई वीडियो प्राइवेट किया जाए या कुछ भी इससे अर्न किया जाए, जिसको ऐसा लगता है तो उस पर भी हम लोग कंसर्न नहीं है और कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया है, केवल उन पर कंसर्न है जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे आगे पढ़ रहे हैं और साथ साथ फेसबुक भी चला रहे हैं, तो अगर आप इसके साथ साथ मावड़ा क्लासेस के आप लेक्चर देखते हैं तो अपना आप समय जाया करते हैं, वो लोग देखना बंद कर दें, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर हमारे वीडियो से कोई एक बच्चा भी पढ़ा और उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा एफर्ट करना एफर्टलेस नहीं होगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मेरा उद्देश्य आप समझें, उसको जानें और फॉलो करें।